Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, a very good evening all of you. Good evening, Sunny Thakur, Avtar Patel, Ankit Yadav, Sonam Maurya, Ashish Jitendra, PK Verma, Anamika, Neha Kumari, Faizan, Kavita, Raghuram, MM, Shivam, Radha, Bhojpuri, Study, Sakshi, Vinaya, Madhuri, Aman, Aarti, Vipul, Dilip, Shivam, Sunny, Bhojpal, इंजीनियर प्रिंस गौरव पंकज मोनू अखिल, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया। तो फाइनली वो दिन आई गया जिसका आपको काफी दिनों से इंतजार था और आप बहुत वेट कर रहे थे। सर प्लीज प्रैक्टिस बैच लेकर आइए, प्रैक्टिस बैच लेकर आइए, प्रैक्टिस बैच है, और वो भी हम ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। जी हाँ, इस प्रैक्टिस बैच की कोई फीस आप लोगों से नहीं ली जा रही है, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है। जैसे कि आप जानते ही हैं, यूट्यूब चैनल पे ये बैच लाया जा रहा है और ये यूट्यूब चैनल आप ही लोगों का है ना, इसीलिए इस यूट्यूब चैनल पर जो भी कुछ होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है जी। हाँ, मैंने वोट डलवाए थे और प्रैक्टिस के लिए वोट डलवाए थे, तो 16,000 वोटिंग हुई है। 16,000 वोटिंग में से 78% जो वोट है वो डले हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ मात्र 22% वोटिंग थी कि कंबाइंड प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि हम ऑलरेडी कंबाइंड प्रैक्टिस इस चैनल पर करा चुके हैं। लगभग 100 सेट मैं आपको कंबाइंड प्रैक्टिस करा चुका हूं इस चैनल पर, और वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि अब प्रैक्टिस होनी चाहिए चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये जो YouTube चैनल पर बैच लाया जा रहा है ये चैप्टर वाइज बैच है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, है ना। और ये आप लोगों की डिमांड पे ही लाया जा रहा है, आप लोग चाहते थे कि सर आइए। हाँ जी, बहुत इंतजार था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी रीजनिंग की बुक है ना, ये हमारी रीजनिंग की बुक है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है और ये हिंदी मीडियम की बुक है, ठीक है। तो हम जो प्रैक्टिस कराएंगे ये जो बुक है ना, इस बुक में जब हम खोल कर देखते हैं तो इसमें पहले तो थ्योरी दी होती है। थ्योरी का मतलब यह है कि जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, वो सब इसमें दी जाती हैं, है ना। फिर उसके बाद इसमें एक्सरसाइज दी जाती है और एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाली बुक में 2-4 क्वेश्चन डिफरेंट है, हिंदी बुक में 2-4 क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन वो जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस पूरी किताब को हम अपने YouTube चैनल पे सॉल्व करने वाले हैं, इस पूरी किताब को, ठीक है। इस पूरी किताब में जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी एक्सरसाइज मैं आपके इस अपने YouTube चैनल पे, ठीक है, आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो रेगुलर बेसिस पे, है ना, हम क्लासेस लेंगे और सबसे पहले पहला चैप्टर उठाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और है ना, आप लोगों की दुआ और भगवान का आशीर्वाद रहा तो इस पूरी किताब को, है ना, इस पूरी बुक को हम खत्म कर देंगे इस चैनल पर, समझ रहे हो। हर एक सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक सिंगल क्वेश्चन को, चाहे वो इजी हो, चाहे वो टफ हो, चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो बुक है ना, ये बुक किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं करती कि किसी इंडिविजुअल एग्जाम को टारगेट करे। ये बुक हर उस एग्जाम के लिए है जिसमें रीजनिंग आती है, चाहे वो SSC का पेपर हो, चाहे वो बैंक का पेपर हो, रेलवे का हो, टीचिंग का हो, डिफेंस का हो, कोई भी पेपर क्यों ना हो, ठीक है। हाँ, लेकिन बैंकिंग वाले बच्चों से मैं बोलूंगा, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए शायद बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उनके में नहीं आते हैं, है ना। बैंकिंग वाले बच्चों के लिए हालांकि अलग बुक हमने बनाई हुई है, ठीक है, और बैंकिंग स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी जो भी स्टूडेंट्स है वो इस बुक को जरूर करें, ठीक है। तो मैं आपकी इस अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, रेगुलर डेली बेसिस पे शाम को 5 बजे अब आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर, ठीक है। तो आप लोगों का प्यार अगर ऐसा ही मिलता रहा, ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो हम जरूर, ठीक है, ये पूरी की पूरी किताब खत्म कराएंगे। देखो अभी 2000 बच्चे लाइव वॉचिंग है हमारी, जो कि मेरे ख्याल से इस चैनल पर हाईएस्ट लाइव वॉचिंग है, ठीक है, इस वाले चैनल पर।
तो यही प्यार अगर आप लोगों का मिलता रहा तो ये पूरी किताब हम जरूर खत्म करेंगे, और इससे भी ज्यादा प्यार मिला तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता जाऊंगा एक्सरसाइज के, उसकी पूरी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी विद विद आंसर कीज। ठीक है, हाँ जी, तो ये आप ही लोगों का प्यार है, आप ही लोगों का चैनल है। चलिए साहब, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, ठीक है, तुरंत हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो भाई इस किताब को अगर हम ओपन करके देखते हैं तो इस बुक में जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है भाई मेरे? कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और, आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये किताब होगी, ठीक है, मैं तो उम्मीद करता हूँ 90% ज्यादा बच्चों के पास ये बुक होगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, जब आप प्रैक्टिस पे आए ना, लाइव आए 5 बजे, तब आप इस बुक को ओपन ना करें, ठीक है, आप इस बुक को ओपन करके आंसर ना दें, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने टेस्ट लेने के लिए, आप लोगों को खुद अपना टेस्ट लेना है और ये देखना है कि आप लोगों का जो आंसर है वो कितनी जल्दी आ रहा है। भाई इतने सारे बच्चे लाइव हैं तो आप लोग अपने आप को जज कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा बुक में से आंसर देखेगा, है ना, कोई भी बच्चा बुक में से आंसर देख के नहीं देगा, आपको खुद अपना टेस्ट लेना है, तभी फायदा होगा बेटा इस सेशन को अटेंड करने का, वरना फायदा नहीं मिलेगा अगर आप बुक खोल के बैठ जाओगे तो, है ना। चलिए तो भाई शुरू करते हैं आज से हम अपना प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, और अपनी पूरी किताब को हम करने वाले हैं जिसका पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। तो हमारी जो शुरुआत होने जा रही है वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से शुरुआत होने जा रही है, लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अच्छा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा दूं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का। आपको याद होगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर 3 टाइप की कोडिंग बनती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग, है ना। अगर हम लेटर कोडिंग की बात करते हैं तो टोटल 7 पैटर्न लेटर कोडिंग में होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन को हम देख रहे होते हैं, है ना, लेटर कोडिंग के, तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सा पैटर्न क्लिक होना चाहिए? हाँ याद करो बेटा, कौन सा पैटर्न क्लिक होना चाहिए सबसे पहले हमारे माइंड में? सर जब भी हम क्वेश्चन को देख रहे होते हैं, अगर हम लेटर कोडिंग की बात करते हैं तो लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को देखते ही, है ना, हमारे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए तुरंत? सर सबसे पहले हमारे माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए ये 3 पैटर्न। कौन कौन से 3 पैटर्न? कहीं हमारा क्वेश्चन पोजिशन बेस्ड पैटर्न पे तो नहीं है? कहीं हमारा क्वेश्चन है अपोजिट लेटर के पैटर्न पे तो नहीं है? है ना, ए जेड बी वाई सी सिक्स डी डू ई इवनिंग एफ फोर जी जी टी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम मैन, ठीक है, कहीं हमारे क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पर बेस्ड तो नहीं है? तो क्वेश्चन को देखते ही ये 3 लॉजिक हमारे माइंड में क्लिक करने चाहिए। अगर ये 3 लॉजिक नहीं है तो फिर 100% वहां पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। अच्छा प्लस माइनस करने के कितने तरीके? प्लस माइनस करने के 3 तरीके, फॉरवर्ड रिवर्स और क्लॉज, है ना, प्लस माइनस करने के कितने तरीके। और अगर मान लो इससे भी बात नहीं बनती है तब हमारा क्वेश्चन होगा इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड। तो ये तो बात हो गई लेटर कोडिंग की। इसके बाद अगर हम बात करें लेटर कोडिंग के बाद दूसरी जो कोडिंग बनती है वो बनती है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चन थे बेटा? अगर हम नंबर कोडिंग की बात करें तो नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन थे। पहला टाइप ये था जिसमें हम इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की नंबरिंग करते हैं और उन सारे नंबर्स का यूज हम एक साथ करते हैं। और दूसरा क्या था? दूसरा इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की नंबरिंग करेंगे और इंडिविजुअल हम लॉजिक लगाएंगे नंबर कोडिंग। और दूसरी थी हमारी मिक्स्ड कोडिंग, और मिक्स्ड कोडिंग में भी 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक ओल्ड और एक न्यू पैटर्न, है ना, ओल्ड पैटर्न यानी कि चाइनीज कोडिंग, ओल्ड पैटर्न यानी कि चाइनीज कोडिंग, और न्यू पैटर्न में हम लॉजिक पता लगाते थे। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग था, ठीक है। हाँ जी, ये प्रैक्टिस क्लास है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो YouTube चैनल पर स्टार्ट हो रहा बैच आज से, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस बैच है। दिस इज ओनली अ प्रैक्टिस बैच, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच, है ना, और ये आप ही के कहने पर आया है, आप ही की हाई डिमांड पर ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच है हमारा, ठीक है। हाँ जी, ये स्पेशल बैच नहीं है। कहीं आप समझो कि इस बैच में मैं पहले सब कुछ कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ाऊंगा देन आफ्टर, ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच होगा। और इस बैच में मैं अपनी पूरी की पूरी किताब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पूरी किताब,
ठीक है, और आपकी लाइव वॉचिंग ऐसे ही शानदार रही, तो जितनी भी एक्सरसाइज है सबकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे यूट्यूब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपको हमारे चैनल पर पीडीएफ मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, और कोशिश करना बेटा, कोशिश करना कि आप आंसर विदाउट यूजिंग एनी पेन पेपर, तो कम से कम पेन और पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए आपको, और कोई भी बच्चा बुक खोल के नहीं बैठेगा, ठीक है, बुक खोल के आंसर नहीं देना है आपको। एक और चीज, अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दिया, क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दिया, सर कुछ नहीं करना, हर एक लेटर में प्लस वन करना है, एल प्लस वन एम। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, आप सोच रहे होंगे सर आपने तो ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, बाबू कोडिंग डिकोडिंग की जो क्वेश्चंस है ना उस पर लैंग्वेज मैटर नहीं करती, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता तो भी उसका मीनिंग आपको समझ आ रहा होता, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है कि एल यू टी ई को मैंने म्यूट और एफ ए टी ई को मैंने गेट लिखा, तो बताओ ब्लू की कोडिंग क्या होगी। तो बेटा एल यू टी यू को अगर हम एम यू टी यू लिखते हैं तो लॉजिक क्या है, सब कुछ नहीं है, एल प्लस वन एम कर दो, बाकी के तीन लेटर सेम है, है ना। गेट को हमने क्या लिखा, फेट को हमने गेट लिखा, एफ में पहले लेटर में प्लस वन कर दो बाकी के तीन लेटर सेम है, पहले लेटर में प्लस वन कर दो बाकी के तीन लेटर सेम रहेंगे, तो ऑप्शन सी इज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और बहुत स्पीड के साथ है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा, मद्रास को हमने कोट किया एन बी ई एस बी टी में, तो बॉम्बे की कोटिंग क्या होगी। सबसे पहले हाँ, सेवन पैटर्न है जिसपे लेटर कोटिंग का क्वेश्चन बनता है, जल्दी से, और देखो आपका आंसर, जो जितने भी बच्चे लाइव हैं इन बच्चों में आपका आंसर कितनी जल्दी आ रहा है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, सर m प्लस वन एन हो गया, फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड है बेटा, a प्लस वन b हो गया, d प्लस वन e हो गया, r प्लस वन s हो गया, a प्लस वन b हो गया और s प्लस वन t हो गया। सर इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है और हर एक लेटर में प्लस वन करना है, तो सर हर लेटर में प्लस वन कर दो और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न कर दो, b प्लस वन c हो गया, o प्लस वन p हो गया, m प्लस वन n हो गया, तो हमारा आंसर आ गया सीपीएन। सीपीएन का कौन सा ऑप्शन है सर, ओहो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है हमें कंप्लीट आंसर निकालना पड़ेगा, पूरा आंसर, तो बी प्लस वन हो जाएगा सी है ना, और ए प्लस वन हो जाएगा बी, और वाई प्लस वन हो जाएगा हमारा जेड, तो सीपीएन सीबीजेड, सीपीएन सीबीजेड कंप्लीट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि फिश को हम EHRG में कोट करते हैं तो जंगल की कोटिंग क्या होगी, जंगल की कोटिंग क्या होगी। हाँ जी, और CGL 2023 मेंस का रिजल्ट आ चुका है, और जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं भाई उन सारे बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बच्चे रह गए हैं उन बच्चों को ऑल द बेस्ट भाई, आगे फ्यूचर में जो भी एग्जाम होंगे और मेहनत करो, अपने अंदर की कमियों को सुधारो और आगे बढ़ो, और सिलेक्शन जरूर होगा। कल मैंने एक बच्चे का, कल एक बच्चे से बातचीत हुई थी जिसकी रैंक 43 है, इनकम टैक्स है बच्चा विशाल कुमार, उसका इस बार सिलेक्शन हुआ, बच्चे ने बताया पहली बार उसने रीजनिंग पढ़ी, बच्चे ने पहली बार मतलब तैयारी शुरू करी और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर दिया, क्योंकि उसका टारगेट साफ था, जो पढ़ाया गया वो पढ़ा, उसके अलावा कुछ नहीं, और सिलेक्शन ले गया बच्चा, ठीक है। तो मेहनत आपकी होनी चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए भाई। फॉरवर्ड पैटर्न, सर इस क्वेश्चन में भी फॉरवर्ड पैटर्न है, एफ को ई में बदला, एफ ई यानी कि माइनस वन, आई को एच में बदला सर माइनस वन, एस को आर में बदला माइनस वन, एच को जी में बदला माइनस वन, तो हर एक लेटर में हमें माइनस वन करना है। अच्छा ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना बोर्ड पर, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको एग्जाम में भी कोशिश करनी है कि कम से कम पेन यूज करके आप आंसर दे सको। बेटा J माइनस वन क्या होगा, सर J माइनस वन हमें पता I होगा, एक पहला लेटर, कितने ऑप्शन एलिमिनेट हुए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखो इन दोनों में इस वाले लेटर में अंतर है, थर्ड लेटर में अंतर है, तो सीधा थर्ड लेटर पता करो,
एन माइनस वन क्या होगा, एन माइनस वन एम होगा, तो आई एम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये जो अप्रोच होनी चाहिए ना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करूंगा जो अप्रोच आपकी एग्जाम में होनी चाहिए क्वेश्चन को देखकर। तो एग्जाम में भी ना हमें कंप्लीट आंसर नहीं देना है, इसी तरीके से शॉर्ट में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्विंकल को हमने कोट किया एस वी एच ओ जे के डी से, तो फिल्टर की कोडिंग क्या होगी, फिल्टर की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, ये क्लास डेली बेसिस पर होगी, प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है आज से ही शाम 5 बजे से, ठीक है, जिसमें हम अपनी पूरी किताब सॉल्व कराने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग हमारी बुक में, तो वहीं से हमने प्रैक्टिस शुरू करी है। देखा, क्वेश्चन देखते ही लॉजिक समझ आ गया, सर पहले लेटर में क्या करना माइनस वन, दूसरे लेटर में क्या करना माइनस वन, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी और सातवें में भी, सारे लेटर्स में माइनस वन है, वो भी फॉरवर्ड पैटर्न। तो बाबू एफ माइनस वन क्या होगा, ई। तो अच्छा, यहां पर इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब ये है हमें कंप्लीट आंसर निकालना पड़ेगा। अब हम ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर सकते, आई माइनस वन एच हो गया, ठीक है, ई एच के चौथा लेटर देखो, चौथा लेटर क्या है, एस, एस हो जाएगा, ठीक है, और फिर ई माइनस वन डी, आर माइनस वन क्यू, एस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, रोड को हमने चेंज किया यू आर डी जी में, तो स्वान की कोडिंग क्या होगी, बताओ फटाक से जल्दी से, आर ओ ए डी, रोड को हमने चेंज किया यू आर डी जी में, तो एस डब्ल्यू ए एन की कोडिंग क्या होगी। और आप लोग जानते हैं कि बुक एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का लेवल पता है क्या, बिल्कुल बेसिक से शुरू है हमारी जो बुक की एक्सरसाइज है, वो एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट है, और धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में हर तरीके के मिक्स क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो। हाँ जी सर, पहले यहाँ भी फॉरवर्ड पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है सर, आर एस टी यू, देखो 18 21, 18 और 3 21, 15 और 3 18, है ना, 1 और 3 4, और 4 और 3 7, सर हर एक लेटर में प्लस 3 कर दिया, क्या कर दिया, हर लेटर में प्लस 3 कर दो, तो 19 और 3 22 हो गया, 23 और 3 26 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, और 14 और 3 17 हो गया। जिस बच्चे को अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की, है ना, जिसको अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस है, उन बच्चों के लिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस, है ना। चलिए, ऑपरेशन को हमने कोड किया है, तो इनविजिबल को किस में कोड करेंगे, जल्दी से बताओ फटाक से, लॉजिक आइडेंटिफाई करो। और आप देखो आपके जो आंसर्स हैं, आपके आंसर्स कितनी देर में निकल पा रहे हैं, आप बाकी बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं उनसे पहले आंसर दे पा रहे हैं, या आपके आंसर देने में थोड़ा सा समय लग रहा है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त जल्दी से, क्या लॉजिक है सर, सर पहले लेटर में माइनस वन कर दिया, सेकंड लेटर में भी माइनस वन कर दिया, सर थर्ड लेटर में भी माइनस वन कर दिया, और लास्ट तक मेरे ख्याल से माइनस वन है, नहीं सर ये तो प्लस वन हो गया, एनओ, है ना, ओपी सर ये भी प्लस वन है, देखो यही तो गड़बड़ हो जाता, ये प्लस वन है आई जे, और टी से यू बना, ये भी प्लस वन है टी यू, ए से बी बना सर ये भी प्लस वन है, और आर से क्यू बना सर ये माइनस वन है। इसका मतलब क्या है, पहले चार माइनस वन है ना, पहले चार माइनस वन है, और आखिरी के जो पांच है वो प्लस वन है, ठीक है, तो पहले चार तो बाबू माइनस वन कर दो, और फिर लास्ट के पांच प्लस वन कर दो, और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न पे, ई एफ, इनमें से कोई नहीं होने की वजह से हमें कंप्लीट आंसर निकालना पड़ेगा। आई माइनस वन एच, एन माइनस वन, एन से एक लेटर पहले क्या होगा, एन से एक लेटर पहले बेटा एम, वी से एक यू, आई से पहले एच, एच एम यू एच, एच एम यू एच, और फिर हो जाएगा एस टी आई जे यू एच टी जे, और बी सी एल एम ई एफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट, फेवर को कोड किया हमने इस पर्टिकुलर वर्ड में, तो डेंजर की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ, हम फेवर को कोड कर रहे हैं ई बी यू पी टी एस में, तो डेंजर की कोडिंग क्या होगी। हाँ, फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस है,
क्या है? चार का आंसर गलत है, बी होगा। चार का आंसर गलत है, एक बच्चे ने कहा चार का आंसर गलत है ना हाँ जी, चार का आंसर गलत है क्योंकि एन प्लस वन क्या है, एन प्लस वन ओ है, एन प्लस वन क्या है, ओ है। हर एक लेटर में माइनस वन नहीं था, ठीक है, के माइनस वन हो गया जे, और एल माइनस वन हो गया के, लेकिन ये जो सेंटर वाला लेटर था इसमें प्लस वन था। तो सेंटर वाला जो लेटर है बाबू, सेंटर वाला जो लेटर है टी, टी प्लस वन क्या होगा, टी प्लस वन यू होगा, तो ई एच के यू डी क्यू आर, थैंक यू सो मच। हाँ यही गलती है, यही छोटी छोटी गलती है जो एग्जाम में हो जाती है हमसे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग हमें लगा कितना आसान था सर, हर एक लेटर में माइनस वन हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा सर, हर लेटर में माइनस वन नहीं हुआ, ये जो सेंटर वाला लेटर था इसमें प्लस वन हो गया, तो ये जो सेंटर में लेटर होगा इसमें प्लस वन होगा, तो टी प्लस वन यू आ जाएगा। तो पहले तीन लेटर में माइनस वन, आखिरी के तीन लेटर में माइनस वन, सेंटर वाले में प्लस वन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही काम यहाँ पर हुआ था, शुरू में माइनस वन हो गया, लास्ट में प्लस वन हो गया। सारे यही बोलकर भाग गए, क्या बोलकर भाग गए, हाँ हाँ ये क्लास डेली होगी बेटा, रेगुलर बेसिस पे होगी, जी हाँ सर। हर एक लेटर में क्या हो रहा है सर, एफ माइनस वन ई हो रहा है, वेरी गुड, ए प्लस वन बी हो गया, और फिर बी माइनस वन यू हो गया, फिर ओ प्लस वन पी हो गया, फिर यू यू माइनस वन, यू माइनस वन टी हो गया, और आर प्लस वन एस हो गया, आर प्लस वन एस हो गया। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, आर प्लस वन एस, है ना, ई माइनस वन डी, ई माइनस वन डी, और जी प्लस वन एच, जी प्लस वन एच, और एन माइनस वन एम, एन माइनस वन एन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, समर को चेंज किया हमने रनर में, समर को चेंज किया रनर में, तो विंटर की कोडिंग क्या होगी, विंटर की कोडिंग क्या होगी, हाँ जी, समर को चेंज किया, समर को चेंज किया रनर में, तो विंटर की कोडिंग क्या होगी, बताओ फटाफट से, क्या लॉजिक यहाँ पे लगा पा रहे हैं आप, जल्दी से फटाक से बताओ, जल्दी से क्या लॉजिक, तुरंत समझ आ गया लॉजिक, सर यू का तो यू छोड़ दिया इन्होंने, हाँ एस का इन्होंने एस माइनस वन आर कर दिया, और एम प्लस वन क्या कर दिया, एम प्लस वन एन कर दिया, और ई आर का तो सर ई आर छोड़ दिया, ये क्या लॉजिक लगाया भाई, हैं? अगर ऐसी बात है, अगर सेम लॉजिक हमें लगाना है डब्ल्यू माइनस वन वी और आई का आई, हाँ, और एन प्लस वन ओ, टी प्लस वन यू, और ई आर का ई आर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एज इट इज जो लॉजिक ऊपर है वही लॉजिक नीचे लगाता, ऐसा नहीं है कि हर एक लेटर में माइनस वन हो या हर लेटर में प्लस वन हो, सिर्फ एक में माइनस है, दो में प्लस है, बाकी सब एज इट इज, तो बस वही काम आपको नीचे भी करना था, और फॉरवर्ड पैटर्न पे ही लॉजिक बन गया, फॉरवर्ड पैटर्न पे ही लॉजिक बन गया। प्रोडक्शंस को कोट किया हमने, है ना, तो बताओ ओरिएंटेशन की कोडिंग क्या होगी, पहचानो क्या लॉजिक है, कितने मंथ लगेंगे बुक सॉल्व करते हुए, देखते हैं, आज तो हमारा पहला दिन है, ठीक है। बुक में जितने भी चैप्टर्स है ना, सारे चैप्टर्स की हर एक एक्सरसाइज कराएंगे हम, और वो भी पहले क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा, सारे चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है वो बड़ी बड़ी नहीं है, कुछ चैप्टर्स की एक्सरसाइज छोटी भी है, कुछ की बड़ी भी है, तो बट हम हर एक सिंगल क्वेश्चन को कराएंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो लॉजिक समझ आ गया बेटा, पी प्लस वन सर, पी प्लस वन क्यू हो गया सर, यहाँ पे आर 18 और 17, आर माइनस वन क्यू हो गया, फिर ओ प्लस वन पी हो गया, फिर डी माइनस वन सी हो गया, फिर यू प्लस वन वी हो गया, फिर सी, अब देखो देखो चकमा खा गए ना, सी और ई, सी और ई का मतलब है ये प्लस टू है बाबू, और फिर टी प्लस वन यू, यू हो गया, और फिर आई माइनस वन एच हो गया, फिर ओ प्लस वन पी हो गया, फिर n माइनस वन बेटा m हो गया, और फिर s प्लस वन t हो गया,
देखा, तो हमें पूरा लॉजिक चेक करना पड़ेगा। एग्जामिनर हमारे साथ खेल सकता है। इसने क्या करा कि पहले 5 लेटर में तो प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, और आखिरी के 5 लेटर में प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, लेकिन जो सेंटर वाला लेटर है उसमें इसने प्लस टू कर दिया, है ना, इसमें उसने क्या कर दिया प्लस टू। तो यही काम एग्जाम में भी हो सकता है हमारे साथ, पहले 5 लेटर बेटा आखिरी के 5 लेटर, तो जो सेंटर वाला लेटर है उसमें हमें करना पड़ेगा प्लस टू, है ना, प्लस टू करना पड़ेगा। तो टी प्लस टू क्या होगा, TUV, तो सेंटर वाले लेटर में वी आएगा, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो 3 और 2 5 वी है सर, और 3 और 2 5 यू है, गलत, 3 और 2 5 वी है और 3 और 2 5 वी है। अच्छा, यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है, तो हमें कंप्लीट आंसर निकालना ही पड़ेगा। तो प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन कर ही देते हैं, ओ प्लस वन पी, ओ प्लस वन पी, आर माइनस वन क्यू, है ना, आई प्लस वन जे, डी माइनस ई माइनस वन डी, एन प्लस वन ओ, टी यू वी, ए प्लस वन बी, टी माइनस वन एस, आई प्लस वन जे, ओ माइनस वन एन, एन प्लस वन ओ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, नन ऑफ दीज तो इसलिए दिया ताकि आप कंप्लीट आंसर निकालो, पूरा आंसर निकालो। यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, माइंड को चेंज किया है KGLV से, आरग्यू को चेंज किया है YPESC से, तो बताओ डायग्राम की कोडिंग क्या होगी, डायग्राम की कोडिंग क्या होगी, पहचानो। हाँ जी, बुक का जो न्यू एडिशन आएगा ना बेटा, बैच लो, करियर वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, करियर वाले एप्लीकेशन, उस पर बैच है। जब ये पूरी बुक में खत्म करा दूंगा यूट्यूब चैनल पर, है ना, इसके बाद फिर जो क्वेश्चंस हमें हटाने होंगे वो हटा देंगे, जो क्वेश्चंस ऐड करने होंगे वो भी मैं आपको अलग से PDF दे दूंगा। उसके बाद 2024 एडिशन आएगा, 2024 एडिशन में जो भी नया क्वेश्चन होगा ना उसकी PDF आप सब बच्चों को मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार धोखा करूँ आपसे, ठीक है, हर बार नई बुक लाता रहूँ, हर 6 महीने बाद आपसे कहता रहूँ खरीदते रहो खरीदते रहो। जो भी इस बुक में हटेगा, जो भी इस बुक में ऐड होगा, वो सब आपको बताया जाएगा, दिया जाएगा, समझे। हाँ जी, पता चल गया लॉजिक, वाह। तो भाई लॉजिक क्या है, 13 और 11 सर, माइनस का 2 और 9 माइनस का 2 और 14 माइनस का 2 और 4, अरे यार हर एक लेटर में माइनस 2 कर दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आप बताओ बेटा ए माइनस टू वाई कैसे हुआ, आपको पता है ए माइनस टू वाई कैसे हुआ, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में माइनस प्लस करना तो आपको आता ही है ना, है आता ही होगा जब हमसे पढ़े हो तो। ये बताओ बेटा जे है लेटर जे, अगर लेटर जे में मैं प्लस 5 करूं तो आपका आंसर क्या आएगा, सर 10 और 5 15 होता है और 15वां अक्षर होता है ओ। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछूं बेटा डब्ल्यू में प्लस 5 करके दिखाओ, डब्ल्यू में आपने लेटर जे में तो प्लस 5 कर दिया क्योंकि 10 और 5 हो गया 15, 10 और 5 15, 15 यानी कि ओ। अगर मैं आपसे कहूं डब्ल्यू में प्लस 5 करो तब आप कैसे करोगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर डब्ल्यू का प्लेस होता है 23, और 23 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो बनेगा 28, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 28 अक्षर होते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये 26 से बेटा कितना एक्स्ट्रा है, ये 26 से 2 एक्स्ट्रा है, 2, यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा लेटर है, डेट इज बी। ये चीज आपको पता होगी ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। अच्छा ऐसे ही बेटा नेगेटिव के साथ हम करते हैं, जैसे कि लेटर जे है, अगर मैं आपसे कहूं भैया जे में से 5 घटा दो तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 माइनस का 5 5, और 5वां अक्षर होता है ई। लेकिन मैं आपसे कहूं बेटा बी में 5 घटा दो, बी में 5 घटा दो, तो बी में 5 कैसे घटाओगे, बी का प्लेस होता है 2 और 2 माइनस का 5 होता है -3। अब अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का तीसरा कौन सा अक्षर है बेटा, अगर 26 से ज्यादा है तो आप ये देख चेक करो 26 से कितना ज्यादा है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो कैसे पता लगाओगे, आप पता लगाओ 26 से कितना कम है, 26 माइनस का 3 कर दो, 26 माइनस का 3 23, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है, 23वां अक्षर डेट इज डब्ल्यू, 23वां अक्षर डेट इज डब्ल्यू। तो माइनस और प्लस करने का ये तरीका आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, 26 से कितना ज्यादा, 26 से कितना कम, ठीक है, इस हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए बेटा एक, एक में से 2 घटाओगे तो -1, और 26 माइनस का 1 25, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर है, डेट इज वाई। तो हर एक लेटर में माइनस 2 कर दो तो बेटा 4 माइनस का 2 2 2, यानी कि 2 ऑप्शन गलत,
ये तो सही होगा, पहले तीन लेटर सममेट सेम है, चौथा लेटर कंपेयर करो। अच्छा चौथे लेटर में भी हमें क्या करना है, चौथे लेटर में भी हमें माइनस टू करना है, तो बेटा सात माइनस का तो पांच, यानी कि ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू यार इजोटी पे प्रैक्टिस करो, और कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा रहता है, जैसे जी, जी को ध्यान से देखना, जी के अंदर क्या छुपा हुआ है, जी के अंदर सात छुपा हुआ है। एच को ध्यान से देखना बेटा, एच हमें किसकी शेप देता है, एट की शेप देता है। बेटा लेटर आई, आई के अंदर क्या है सर, आई के अंदर नौ है, आई के अंदर क्या है, आई के अंदर नौ है ना। अच्छा जो एम होता है बेटा वो तीन होता है, तीन, अब तीन से क्या बनता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तीन से बनता है तेरह और तेईस, तो ये तेईस तो नहीं हो सकता, तो ये तेरह होता है। अच्छा डब्ल्यू भी तीन होता है, तो इस डब्ल्यू से क्या बन जाएगा, डब्ल्यू से बन जाएगा तेईस। तो कुछ ऐसे लेटर्स है जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो, वरना आप प्रैक्टिस एक पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो। अगर आप एक पैराग्राफ राइटिंग कर लो ना इजोटी पे प्रैक्टिस करके, उसके बाद आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, है ना, बहुत अच्छे से। चलिए साहब, क्योंकि जिन बच्चों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होगी ना, वही बच्चे इन क्वेश्चंस का विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे पाएंगे। साउंड में दिक्कत आ गई क्या? अब ठीक है साउंड, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बेसिक को हमने कोट किया डी डी यू एल ई से, तो लीडर को उस भाषा में कैसे कोट करेंगे, बताओ फटाफट से। सर यहां पर लॉजिक क्या बनता है, सर पहले लेटर में प्लस टू कर दिया लेकिन सेकंड लेटर में प्लस थ्री, फोर्थ 19 और 22, 19 और 3 22, 9 और 3 12, और 3 और 2 5। तो देखो लॉजिक आप देख पा रहे हो, सर पहले लेटर में प्लस टू है और लास्ट लेटर में प्लस टू है ना, सिर्फ पहले और लास्ट में, तो बेटा 12 और 2 14 और 18 और 2 20, एंटी 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 एंटी, पहला लेटर है लास्ट लेटर टी, पहला लेटर है लास्ट लेटर टी। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर कैसे दिया भाई साहब, बाकी सब में प्लस थ्री होगा, सॉरी बाकी सब में 5 और 3, यार ये तो गड़बड़ हो गई। कहाँ गड़बड़ हो गई, 1 और 3 4, 19, एक सेकंड, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 19 और 2 21, और 19 और 2 21, 9 और 3 12, और 3 और 2 5। ओके लॉजिक गड़बड़ है भाई साहब, लॉजिक है प्लस टू प्लस थ्री, प्लस टू प्लस थ्री, प्लस टू प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस टू प्लस थ्री का लॉजिक है 12 और 2 14, और 3 और 3 6, 6 का मतलब कहाँ गड़बड़ करती, 1 और 3 4, 5 और 3 8, 8 का मतलब एच, 5 और 3 8, 8 का मतलब एच, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर भाई, 12 और 2 14, 5 और 3 8, है ना। अच्छा यहाँ पे पता है लॉजिक क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट लॉजिक नहीं है, प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू, अगर ऑल्टरनेट लॉजिक होता ना तो प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू आता, 1 और 2 3, हाँ अल्टरनेट ही है, 4 और 3 7, 5 और 2 7, और 18 और 3 21, जी हाँ अल्टरनेट ही है। यहाँ पे वो वाला नहीं है कि सिर्फ वॉबल्स में प्लस थ्री हो रहा है, सिर्फ वॉबल्स में प्लस थ्री ये नहीं है, ऑल्टरनेट लॉजिक था प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री। चलिए साहब जी, साइड को कोट किया हमने एफ वी टी यू जी से, तो रिवील की कोटिंग क्या होगी, जल्दी से बताइए फटाक से। हाँ जी क्वेश्चन बड़े आसान आसान से अभी, है ना, फ्री का बैच है भाई साहब, कितने भी रुपए का बैच नहीं है ये, कब तक फ्री रहेगा ये बैच, परमानेंट फ्री है एप्लीकेशन पर, ये प्रैक्टिस बैच है, ये जो बैच है ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच है जो परमानेंट इस चैनल पे फ्री है।
ठीक है, हाँ पूरी किताब खत्म कराएंगे हम हर शाम 5 बजे आकर। चलिए सर, लॉजिक क्या बनता है, क्या लॉजिक बनता है जल्दी से बताओ। साइट SIGHT, साइट को हमने चेंज किया FVTUG में, क्या लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, तो रिवील की कोडिंग क्या करेंगे, क्या यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है? क्या एज इट इज कोडिंग हो रही है, क्या एज इट इज कोडिंग हो रही है ये बताओ, क्या यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है? नहीं सर है। क्या लॉजिक है, एक बच्चा कह रहा +13 कर दो, +13 कर दो, +13 -13, हाँ क्रॉस पैटर्न है क्यों भाई? फॉरवर्ड पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, -13 +13 -13 +13। एक बच्चा कह रहा है जी हाँ फॉरवर्ड नहीं क्रॉस नहीं, फॉरवर्ड पैटर्न ही है और +13 का पैटर्न है, 13 का पैटर्न बता रहे हैं भाई साहब। एक बच्चा कह रहा है अपोजिट लेटर का पैटर्न है, अबे तुम आंसर दो चाहे अपोजिट लेटर का हो चाहे किसी का हो। आप लोग आंसर दो। अगर हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है जी, हाँ जी, तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू देखकर मुझे को बताओ क्या यहाँ पे है फॉरवर्ड पैटर्न है। सबसे पहले तो हम फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 13 13 का पैटर्न है। अच्छा जी, अगर मैं 13 जोड़ देता हूँ तो बाबू 19 और 13 कितने होंगे? 32। 32, क्या ये 32वां अक्षर है? क्या ये 32वां अक्षर है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना 26 से कितना ज्यादा है सर, ये 26 से 6 ज्यादा है। जी हाँ सर, ये 32वां ही अक्षर है। ठीक है, अगर मैं 9 में 13 जोड़ता हूं तो 9 और 13 बनते हैं 22, सर ये 22 है। 7 और 13 बनते हैं 20, सर ये 20 है। 13 और 8 बनते हैं 21, सर ये 21 है। 20 और 13 बनते हैं 33, क्या ये 33वां अक्षर है? जी हाँ सर, 33वां अक्षर मतलब 26 से कितना ज्यादा? 7, तो ये 7वां अक्षर है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न ही है और हर एक लेटर में 13 13 13 जोड़ते चले जाओ। तो बेटा 18 में 13 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 18 और 13 कितना होगा? 21 और 10 31, 31 का मतलब 26 से कितना ज्यादा? 5। 26 से कितना ज्यादा? 5 भाई, 31वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां अक्षर, डेट इज ई। तो ई से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, ई से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, तो ई से जो ऑप्शन स्टार्ट है वो ऑप्शन स्टार्ट है डी। तो बाकी के ऑप्शंस हो गए गलत। कुछ नहीं करना बेटा, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लेटर की से हमने बाकी के ऑप्शंस क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। चलिए साहब, मिरेकल को कोड किया हमने तो गैम्बल की कोडिंग क्या होगी जल्दी से बताओ। मिरेकल को कोड किया हमने इस पर्टिकुलर वर्ड में तो गैम्बल की कोडिंग क्या होगी सर? M+1 n हो गया और 9 और 2 11 हो गया सर, 18 और 3 21 हो गया और सर 1 और 4 5 हो गया सर, 3 और 5 8 हो गया, ये तो बढ़ता ही जा रहा भाई, 12 और 6 18 हो गया और सर 5 और 7 12 हो गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न ही है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो भाई साहब +1 +2 +3 +4 +5 +6, चलिए +6 तक ही जाना है। 5 और 6 11, 11वां अक्षर होता है के, 11वां अक्षर होता है, 11वां अक्षर होता है के। बेटा 12 और 5 17, 17वां अक्षर होता है क्यू, 17वां अक्षर क्यू होता है, 17वां अक्षर क्यू होता है। हमें कंप्लीट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो लेटर को चेंज किया, उसी से हमने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। ग्लैमर को कोड किया हमने इस पर्टिकुलर वर्ड में है ना, तो बताओ टॉपिकल की कोडिंग क्या होगी जल्दी से। सर आप जो 100 वीडियो यूट्यूब पे डाली है वो नहीं आ रही, प्ले स्टोर में जाओ, सॉरी प्ले स्टोर कर रहा हूँ, प्ले लिस्ट में
आप प्लेलिस्ट ओपन करो, वहां पे आपको 100 प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो दिखाई दे जाएंगी। हाँ जी, क्यों नहीं आएंगे? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक है यहाँ पर? ग्लैमर को इस पर्टिकुलर वर्ड में कोड कर रहा है सर, GHI है ना, और 12, 12 माइनस का तो 10, और सर 1 और 2 3, और सर 13 M+1 N है ना, और 15 माइनस का 2 13, और सर 21 माइनस का 2 सॉरी 21 प्लस का 2 23, और सर 18 माइनस का 2 16। अब आप लॉजिक समझो बाबू, लॉजिक क्या है? +2 -2 +2 और -2 +2 -2, लेकिन जो सेंटर वाला लेटर है ना, सेंटर वाले लेटर में +1 करना है, सेंटर वाले लेटर में +1 करना है। अगर ऐसी बात है बेटा तो जरा चेक करना R+1S, क्या सेंटर वाले लेटर में +1 है? हाँ सर, सेंटर वाले लेटर में हाँ जी, सेंटर वाले लेटर में +1 करना है। तो सर R+1S सेंटर वाले लेटर में +1 है, तो सेंटर वाला जो लेटर है उसमें +1 कर दो। I+1 क्या होगा? I+1 J, तो सेंटर में J आना चाहिए, सेंटर में J नहीं है, सेंटर में J आना चाहिए, लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन होने की वजह से हमें कंप्लीट आंसर निकालना पड़ेगा। तो +2 -2 +2 +2 TUV, V से स्टार्ट होगा, बहुत बढ़िया। 15 माइनस का तो 13, M होगा, M लेटर, लेटर M होगा, ये गलत हो गया। और इसके बाद यहां पर -2, 3 माइनस का तो 1 1, यानी कि A लेटर होगा A, और फिर 1 और 2 3, 12 माइनस का तो 10। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यही चीज हमें ध्यान देखनी है, जो भी लॉजिक हम पता करेंगे ना, वो लॉजिक हम कंप्लीट पता करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने देखा +2 -2 +2 तो हम पता चले इसी का कॉम्बिनेशन बता दे, +++ -++ -++। सेंटर में लॉजिक चेंज हो गया, समझ रहे हो? तो ये चीज हमें एग्जाम में ध्यान रखनी है। चलिए साहब, बिलीफ को कोड किया हमने AFKKGI से। BA -1 सर, EF+1 सर, LK -1 सर, IK यानी कि I+2K होगा, 9 और 2 11, समझ रहे हो? ED-1 और FI बेटा 6 और 3 9, तो लॉजिक है -1 +1 -1 फिर +2 -1 +3, कुछ बात जमी नहीं है, क्यों भाई? बिलीफ को चेंज किया AF, ऐसा तो नहीं यहाँ पे रिवर्स पैटर्न हो? नहीं सर, रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, क्रॉस पैटर्न भी नहीं है, है तो यही पैटर्न है, -1 +1 और -1, और ये हो गया +2, ये -1, और ये हो गया +3। देखा, 6 और 3 9, क्या धोखेबाजी कर गए तुम्हारे साथ? तो ऐसी धोखेबाजी एग्जाम में हो सकती है तुम्हारे साथ, ठीक है? आप लोग ये मत समझना कि -1 +1 -1 है तो बस आंख बंद करके ये लॉजिक सेट कर दो, -1 +1 -1 +1 -1 +1, ऐसी धोखेबाजी एग्जामिनर आपके साथ एग्जाम में भी कर सकता है, जैसे कि उसने अभी कर दी धोखेबाजी। तो -1 +1 -1 +2 -1 +3, 13 और 3 16, 16 यानी कि लेटर पी आएगा, लेटर पी, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, है ना, और 15 - 1 14 14 यानी कि N आएगा, और 4 और 2 6 6 यानी कि F आएगा, और 12 - 1 11 11 यानी कि K आएगा, और 5 - 1 5 और 1 6 और 19 - 1 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज ही चलिए साहब, यहां पर तो कुछ गड़बड़ी है सर, यहाँ पे 5 लेटर हैं और यहाँ पे 10 लेटर हैं, ये कहानी क्या हुई? 2 4 6 8 10, यहाँ पे 5 लेटर हैं और यहाँ पे 10 लेटर हैं, अब क्या करें भाई साहब? पीडीएफ देखो,
मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, लेकिन पता है पीडीएफ कब दूंगा? पीडीएफ तब दूंगा जब आप लोगों का डेडिकेशन मैं देखूंगा। मैंने ये पूरी बुक खत्म कराने का जिम्मा लिया है, पहले चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूँ इस किताब को, है ना, और सारी एक्सरसाइज में कराऊंगा आपको। तो पता है पीडीएफ आपको कब दी जाएंगी इन सारे क्वेश्चंस की? तब दी जाएंगी जब आप रेगुलर लाइव रहोगे। कम से कम 1 हफ्ते मैं देखूंगा कि क्या इतने ही बच्चे लाइव रहेंगे। पता चले 400 500 600 बच्चे बचे लास्ट में, है ना, तो फिर हमारी मेहनत तो काम नहीं आएगी ना। तो अगर आप रेगुलर लाइव बनते हो, ठीक है, तो कंफर्म आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेंगी विद आंसर की, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, धोखेबाजी बेटा तुम करोगे तो हम भी तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कराएंगे अब कंप्लीट। टी, अच्छा यहाँ पे 5 लेटर, यहाँ पे 10 लेटर, हम समझ गए ना सर। पहले लेटर में क्या हो रहा है सर? पहले लेटर में आप, पहले लेटर में -1 भी और +1 भी है। देखो टी -1 एस भी है, टी +1 यू भी है। सर पहले लेटर में -1 भी है, +1 भी है, आर -1 क्यू है, आर +1 एस भी है। तो कहने का मतलब है एक लेटर से दो लेटर तैयार हो रहे हैं, -1 भी करना है और +1 भी करना है। एफ -1 क्या हो गया? ई, और एफ +1 हो गया जी। ई जी से शुरू होगा ऑप्शन, ई जी से। अच्छा ए -1 हो गया जेड, ए +1 हो गया बी, जेड बी, जेड के नहीं आ सकता, जेड बी, बहुत बढ़िया। एम एल -1 एल +1, बेटा 12 - का 11, यानी के 12 और 1 13, यानी एम के एम के एम के एम यहाँ नहीं है, ये तो वैसे भी हट गया, के एम के, ये भी हट गया। अच्छा आर एस -1 आर, और एस +1 एस टी, आर टी, आर टी आएगा, डी नहीं आएगा, आर टी। चलिए साहब नेक्स्ट, स्प्रिंग को कोट किया हमने, तो मोबाइल की कोटिंग क्या होगी? स्प्रिंग, तो बेटा 19 से बना 21, तो 19 और 2 21, 16 से बना 14, 16 -2 14, 18 से बना 21, धोखा कर गए, +2 -2, +2 -2 नहीं है, ये +3 आ गया बीच में, और 9 से बना 6, लो सर -3 आ गया, 9 -3 6, और 14 से बना 18, लो सर ये +4 आ गया, और 7 से बना 3, यानी कि -4 आ गया, 7 -4 3। तो ये भी फॉरवर्ड पैटर्न ही है, कैसे? +2 -2, +3 -3, +4 -4। हाँ, प्लेलिस्ट होगी भैया, प्लेलिस्ट क्यों नहीं दिख रही आपको? 100 प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट है, वो चैप्टर वाइज नहीं थी। +2 -2, +3 -3, +4 -4, अरे सॉरी यहां लगाना है, +2 -2, +3 -3, +4 -4, तो 13 और 2 15, ओ है ना, 15 -2 13, ओ एम, बहुत बढ़िया। और 2 और 3 5, 5 का मतलब ई, 5 का मतलब ई आएगा, और 9 -3 छ, 6 का मतलब एफ, 12 और 4 16 का मतलब पी, 5 - 4 एक, 1 का मतलब ए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। हाँ जी नेक्स्ट, बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक को कोट किया जाता है जेड सी में। बेटा 2 - 2 0, 0 मतलब जेड, 5 - 2 3 है ना, और 17 - 2 15, 21 - 2 19, 9 - 2 7, 3 - 2 1, और 11 - 2 9। तो हर एक लेटर में -2 -2 -2 कर दो, तो आई लव यू, सॉरी आई लव माई कंट्री, आई लव यू नहीं, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री वाक्य के तीसरे शब्द, तीसरे शब्द के दूसरे अक्षर का है ना कोड क्या होगा? कोड का मतलब होता है कोड, ठीक है। तीसरा शब्द, थर्ड, थर्ड वर्ड चाहिए, थर्ड वर्ड है ना, दूसरा अक्षर यानी कि सेकंड लेटर, थर्ड वर्ड का सेकंड लेटर। बाबू थर्ड वर्ड का सेकंड लेटर, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, और थर्ड वर्ड का सेकंड लेटर क्या है? वाई, और वाई में क्या करना? -2, 25 - 2 23, 23 यानी कि डब्ल्यू,
25 माइनस का दो 23, 23 यानी कि W, है ना। हाँ जी, चैप्टर वाइज जो थ्योरी, अरे यार 100 वीडियो डाले थे, क्यों नहीं मिल रही आपको प्लेलिस्ट? लाओ अभी चेक कर देते हैं प्लेलिस्ट। रीजनिंग विद पीयूष वारस ने बुक है सफलता की, 100 प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट है तो सही बेटा, उसमें सारी क्लासेस डली हैं। दिखाई दे रही है मेरे को खुद दिखाई दे रही है प्लेलिस्ट, आपको नहीं दिखाई दे रही, देख लेना है ना। दिल्ली को कोट किया जाता है सीसीआईडीडी से, तो बॉम्बे को किससे कोट करेंगे? तो डी माइनस वन सी हो गया, 5 माइनस का 2 3 हो गया, 12 माइनस का 3 9 हो गया, 8 माइनस का 4 4 हो गया, 9 माइनस का 5 4 हो गया। तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और माइनस सिक्स होगा फिर, है ना। बी माइनस वन ए हो जाएगा, बी माइनस वन ए हो जाएगा, और 15 माइनस का 2 13, 13 का यानी कि एम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। कंप्लीट आंसर देने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, दो लेटर से ही हमने बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। गोल्ड को होम, कम को डन, कोड को डोज, तो सन्स को कैसे कोड करेंगे? इतने सारे वर्ड देने की जरूरत क्या है यहाँ पर, हाँ इतने सारे वर्ड देने की जरूरत ही क्या है, हम डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं आंसर, इतने सारे वर्ड देने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी से लॉजिक पता लगाओ फटाक से। अच्छी सर, पहले लेटर में प्लस वन करना है, फिर सेम छोड़ना है, फिर प्लस वन करना है, फिर प्लस वन करना है। अच्छा जी, सर पहले लेटर में प्लस वन करना है, फिर सेम छोड़ना है, फिर प्लस वन करना है, और फिर सेम छोड़ देना है, फिर सेम छोड़ देना है। पहले लेटर में प्लस वन करना है, फिर सेम छोड़ना है, फिर प्लस वन करना है, फिर प्लस वन करना है। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? पहले हमने ओ को छोड़ा, है ना, पहले हमने सेकंड लेटर को छोड़ा, फिर हमने सेकंड लेटर और फोर्थ लेटर दोनों को छोड़ दिया, फिर हमने सिर्फ सेकंड लेटर को छोड़ा, यानी कि हम किन लेटर्स को छोड़ रहे हैं? सर जो वॉबल्स है ना, वॉबल्स हम उनको छोड़ दे रहे हैं, वॉबल्स में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स में हम क्या कर रहे हैं? प्लस वन कर रहे हैं, वॉबल्स को छोड़ दे रहे हैं। तो डी ई ओ एस टी और ई ओ टी ई ई ओ, अरे सॉरी मैं कूट किया था, तो सन ये है प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इसको छोड़ दो, एस प्लस वन टी ओ एन प्लस वन ओ एस प्लस वन टी टूट, वॉबल्स को छोड़ के हर एक लेटर में प्लस वन कर दो, है ना। हाँ जी, चलिए पहली सौ वीडियो, अरे यार बता तो थी मैंने आपको, प्लेलिस्ट में पड़ी तो हुई है। तुम कौन सी की बात करोगे, चोरी हुई वीडियो की तो बात नहीं कर रहे? अबे वो चोरी हुई वीडियो होंगी जो किसी ने यूट्यूब पर डाल दी होंगी, वो डिलीट हो जाती है, चोरी का माल मोरी में जाता है। तुम क्या सोच रहे हो किसी ने हमारा बैच करियरबिल से चुरा के यूट्यूब पर डाल दिया, वो वीडियो तुम्हारे लिए पड़ी नहीं परमानेंट? वो जो करियरबिल से चोरी करके बच्चे प्लेलिस्ट बना के डाल देते हैं ना यूट्यूब पर, वो अपने आप डिलीट होती रहती है हर हफ्ते 10-15 दिन में, उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है उन वीडियोस पे। भाई तुमने तो गजब कर दिया है, चोरी के माल को इतनी जो इतनी देर से ऐसे पूछ रहे थे जैसे पता नहीं क्या मैंने कर दिया हूं। हद है यार, मैं प्लेलिस्ट की बात कर रहा था, जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स मैंने कराए थे ना 100, वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चोरी का माल मोरी में जाएगा, पी प्लस वन क्यू, ओ प्लस वन पी, पी प्लस वन Q, U plus 1 V, L plus 1 M, A plus 1 B, अरे यार हर एक लेटर में प्लस 1 है, ये कोई क्वेश्चन? G plus 1 H, ओहो। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब आपने सोचा पॉपुलर को हमने इसमें चेंज कर दिया, तो भाई साहब इसकी कोडिंग क्या होगी? G plus 1 H, लेकिन मान लो H कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, अब क्या करेंगे हम? तो शायद आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये है, तो कौन से शब्द को
इस शब्द में कूट किया जाएगा, यानी कि ये आंसर दे रखा है हमें, क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये आंसर दे रखा है हमसे पूछा है, ये जो आंसर है ये किस वर्ड का आंसर है, समझ रहे हो, इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, तो हमें देखना है किस ऑप्शन में ये वाला लॉजिक लगाकर हम ये आंसर दे सकते हैं, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लो प्लस वन करके ये आया, अगर हम उल्टा जाएंगे ना तो हम उल्टा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन से दे सकते हैं, जी माइनस वन एफ बहुत बढ़िया, बी माइनस वन ए बहुत बढ़िया, एन माइनस वन एम, एन माइनस वन एम एम बहुत बढ़िया, पी माइनस वन ओ ओ ओ और वी माइनस वन यू यू पी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हम रिवर्स जाने के लिए माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर सकते हैं, समझ रहे हो बेटा, इससे ये बना, तो ये किससे बना है, ये उल्टा क्वेश्चन पूछा है इस बार हमसे, ये भी बेटा रिवर्स क्वेश्चन है, तो कौन सा शब्द इस शब्द में फूट किया जाएगा, समझ रहे हो, तो इससे ये बना है, तो ये जो आंसर निकला ये किससे बना होगा, तो पहला U से W बना, U से W बेटा 21 और दो 23 और 20 और दो 22, 5 और दो 7, 14 और दो 16, 19 और दो 21, 9 और दो 11, 12 और दो 14, तो इससे ये बना प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू करके, तो ये किस वर्ड से बना होगा, तो हम क्या करेंगे रिवर्स आंसर देने के लिए, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू कर देंगे, चार माइनस का दो दो, तेरह माइनस का दो ग्यारह, उन्नीस माइनस का दो सत्रह है ना, और छः माइनस का दो चार, बी के क्यू डी 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 बी के क्यू डी, अरे हद यार, चौबीस माइनस का दो बाईस, और सात माइनस का दो पांच, यानी कि ई, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो कौन सा शब्द इसमें कूट किया जाएगा, यानी कि ये भी उल्टा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द इसमें कूट किया जाएगा, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका आंसर ये बनेगा, ये भी रिवर्स क्वेश्चन है ना, ये भी हमसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा है, तो बेटा 18 माइनस का एक 17, 15 माइनस का एक 14, 2 माइनस का एक 1, 21 माइनस का एक 20, 19 माइनस का एक 18 और 20 माइनस का एक 19, तो हम पूछ रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ये लॉजिक लगाकर ये वाला आंसर आ जाएगा, तो रिवर्स आंसर यहाँ भी देना है, तो यहाँ पर भी क्या करना, ये माइनस वन करके आया, तो अगर मैं उल्टा करूंगा तो इसमें प्लस वन करके ये बना सकता हूं, तो ऐसे ही उल्टा करने पर इन सब में प्लस वन कर दो, तो जेड प्लस वन क्या होगा बेटा, ए, जेड प्लस वन ए होगा, एक्स प्लस वन वाई होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, बताओ ई एच एफ एन आर क्यू को बी सी के ओ एन में कोड किया, क्यू डी एफ डब्ल्यू एक्स यू एल क्यू का कोड क्या होगा, बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, हाँ सर, पांच माइनस का तीन दो, आठ माइनस का तीन पांच, छ माइनस का तीन तीन, चौदह माइनस का तीन ग्यारह, अठारह माइनस का तीन पंद्रह और 17 माइनस का 3 14, तो सर हर एक लेटर में माइनस 3 कर दो, हर एक लेटर में माइनस 3 कर दो, 17 माइनस का 3 कितना होगा 14, 14 एन हो गया, 4 माइनस का 3 1 ए होगा बेटा, और 6 माइनस का 3 3 सी होगा, और 23 माइनस का 3 20 यानी कि टी होगा, टी एन एस सी टी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
जी चलिए, तो अभी बेटा अभी क्लास यहीं आपकी खत्म की जा रही है, ठीक है? बाकी हम इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास सिर्फ इतनी ही, डेली 1 घंटे, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड बाय, और कल मुलाकात करते हैं इसी एनर्जी के साथ।